हाय गाइस, वेलकम टू अनदर व्लॉग ऑफ मसरोंगीज। यो तो सो बेसिकली आज हम थोड़ा सा अपसेट है, बट फिर हमने सोचा कि नहीं, वी हैव टू वर्क थिंग्स अराउंड। हमको सोल्यूशन तो निकालना ही था। बारिश हो गई। एक्चुअली हम लोग जाने वाले थे, पानी फिर गया मेरे हमारे हम दोनों के इरादों पे। मैं बाहर जाना था और कुछ दिखाना था आप लोगों को, बट बाहर नहीं जा सकते। जैसे कि हम लोग फूड रिव्यूज देते, वैसे ही हम लोग एक और स्टॉल में अब जाके हम लोग फूड रिव्यू देने वाले थे, बट टुडे होल डे इट्स बीन रेनिंग, बहुत बारिश हो रही है, तो हम निकल ही नहीं पाए घर से अनफॉर्चुनेटली। तो इसीलिए हमने प्लान बी पूरा अपनाया, मतलब प्लान बी को आपके लिए दूसरा, मतलब प्लान बी। तो एक हमने क्या किया, एक बहुत ही पॉपुलर बंगाली, बहुत ही पॉपुलर, लेट मी टेल यू, बॉम्बे में बहुत ही पॉपुलर एक बंगाली रेस्टोरेंट है जहाँ से खाना आया है, एंड वी विल शो यू कि मतलब क्या खाना है, एंड वी विल टेस्ट इट, एंड देन वी विल, मैं आपको प्राइस भी बताऊँगी, सब बताऊँगी, बट बहुत हाई रिव्यूज है इस रेस्टोरेंट के, बहुत जन तारीफ अच्छे करते हैं, बहुत तो अच्छे रिव्यूज हैं। ट्राई किया तो देखते हैं क्या है, तो आपको भी दिखाते हैं क्या है। यस, एब्सोल्युटली, वी विल डेफिनेटली शो, वी विल शेयर प्राइसेस, लोकेशन सब शेयर करेंगे, और फिर देखते हैं कैसा, तो आपको दिखाते फिर क्या है खाने में, एंड विल गो अहेड। ब्लॉग के एंड तक बने रहे, जाना नहीं कहीं पे। स्वाद के साथ आपको मिलते हैं। तो ये है पेटुक से जो मुगलाई पराठा आया है, चिकन मुगलाई पराठा विद आलू दम। गाइस, पैकेजिंग बहुत ही अच्छी है, और बेस्ट पार्ट ये है कि ये लोग प्लास्टिक में नहीं, सी दिस इज पूरा पेपर बैग में ये लोग दिए हैं, और एकदम एल्यूमिनियम फॉयल में रैप किया हुआ, एंड इट्स हॉट, इट्स लाइक गुड हॉट, तो बहुत ही अच्छी बात है ये, मतलब ऐसे इतने अच्छे से पैकिंग करते हैं। और अभी देखते हैं अंदर कितने पीसेस है और क्या है। सो गाइज, लुक एट दिस, दिस इज सो यम, और पराठे देखो इतने मोटे मोटे जाड़े, बाप रे, कितने, चार पीस दिए आई थिंक, तीन, ओ इट्स हॉट, चार पीस इतने मोटे मोटे बड़े बड़े, अंदर आलू दम इज लुकिंग सो यम, मुंह में पानी आ रहा है मेरा। तो आप देख सकते हो कि कितने अच्छी तरीके से पैकिंग करके कितना अच्छा इन लोगों ने बनाया है, मतलब द लुक ऑफ इट इज ओनली सो यम। मैं सोच रही हूँ खाने में कितना मजा आएगा, बहुत ही अच्छा लग रहा है, बेहतरीन। प्लीज गाइज, यू गाइज शुड ईट दिस। अभी तो मैं खा के बताती हूँ कि कैसा टेस्ट हुआ है, विवेक को भी खिलाती हूँ, उसके भी मुंह में पानी आ रहा है, रुक ही नहीं रहा है वो। तो हम लोगों ने ये बेसिकली जो पेटुक से आया है खाना, ये बहुत ही डिस्काउंटेड रेट में आया है, कुछ 100 रुपीज, 120 या कुछ ऐसे में पड़ा हम लोग को टोटल। तो आप देख सकते कि क्वांटिटी कितना बढ़िया है, और इतने सस्ते में हमें ये मिला है, सो दैट्स लाइक आई थिंक एब्सोल्युटली वर्थ इट। आई मीन, देखते अभी खा के कि इज इट इनफ फॉर टू पीपल। अब मेरे को तो लग रहा है इनफ होगा, इतने मोटे मोटे पराठे मेरे से तो ना खाया जाएगा, सो लेट्स सी। तो विवेक, आज हमने पहली बार पेटुक से मुगलाई पराठा खाया, तो ऑनेस्ट रिव्यू देना, कैसा लगा बताओ अपने दर्शकों को। पहले तो मैं ये बोलूंगा कि जो तुमने स्लाइस छोड़ा था ना थोड़ा सा, कि उसे बाद में खाऊंगी, मैं उसे खा चुका हूँ, तो उसके लिए सॉरी। मैं इसे देता हूँ 9 out of 10। yes. क्योंकि ये मैंने कलकत्ता में भी खाया था, और जिसने कलकत्ता का ये डिश जो है वो खाया रहेगा, वही बता पाएगा कि इसमें डिफरेंसेस क्या है। तो मैंने वो डिफरेंसेस पकड़ी है, लेकिन मैं बता नहीं पा रहा एग्जैक्टली कहाँ पे वो डिफरेंस है, बिकॉज वो लोग इतनी ऑथेंटिसिटी में इतना सिमिलर है कि आप कलकत्ता में भी खाओगे तो सेम टेस्ट लगेगा, लेकिन कलकत्ता में इससे भी अमेजिंग मिलता है। सो मैं इसे आपके सामने रेटिंग दे चुका हूँ, और आप मंगाइए, आप ट्राई कीजिए, और हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको ये डिश कैसी लगी। सच बहुत। सो गाइज, मैं तो खा चुकी हूँ, और अभी भी मैंने पूरा नहीं खा पाई, बिकॉज इट इज सो हैवी, 4 पीसेस था जैसे मैंने दिखाया, और वो 4 में भी मैं मतलब 2 ली थी, मैंने 1.5 ही खा पाई, बहुत हैवी था, बट क्या टेस्ट, मतलब वो टेस्ट के चक्कर में आई थिंक आई हैड द हाफ, वरना तो मैं वो भी नहीं खाती, मैं तो मतलब लिटरली एक ही इतना भारी हो गया था, एंड द आलू दम वॉज
सो टेस्टी मतलब सच में. अच्छा ठीक है, हाँ कैलकटा में अलग ही वो टेस्ट मिलता है, बट ट्रस्ट मी वेरी क्लोज टू कैलकटा पेटुक का चिकन मुगलाई पराठा विथ आलू दम डेफिनेटली ट्राई करना चाहिए लोगों को. पेटुक के बहुत सारे ब्रांचेस हैं, तो प्लीज गाइज ये ट्राई करें. मैं तो इतना भर चुका है पेट मेरा, बात भी नहीं की पा, मतलब बात भी नहीं कर सकती हूँ, तो इतनी नींद आ रही. बट एनीवेज बहुत ही टेस्टी, बहुत ही डिलीशियस और बहुत ही यम फूड आज एंजॉय किया हमने. हालांकि आई विश स्टिल हम लोग वो स्टॉल पे जाके शूट कर पाते, बट नहीं कर पाए. सो बट एनीवेज पेटुक के रिव्यूज भी क्या हम लोग दे नहीं सकते? ऑफकोर्स दे सकते. सो डेफिनेटली मस्त लगा, मस्त एकदम, बहुत सही था. सो गाइज वी वॉन्ट टू से कि खाना तो हो गया, बट पहले ये बोलना ज़रूरी था कि आपके, जैसे कि आपने देखा कि येस वी शेयर्ड वन ऑफ अ सब्सक्राइबर स्टोरी, तो वैसे ही हम बाकी भी आपके रियल लाइफ हॉरर स्टोरीज़ हम अपने चैनल पे शेयर करना चाहते हैं. अभी ये आपके ऊपर है कि आप कितने स्टोरीज़ हमारे साथ शेयर करना चाहते हो. सो गाइज़ प्लीज़ भेजे आपके स्टोरीज, रियल लाइफ हॉरर स्टोरीज. और ये पूरा सेक्शन का नाम ही हम रख रहे हैं, आपकी कहानी आपकी जुबानी. तो इसके लिए आप अपने हॉरर स्टोरीज हमें भेजे, हमें सेंड कीजिए. हाँ. हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, फिर मैसेज करें, फॉलो कर सकते हैं. हाँ. हमें अपनी जो भी एक्सपीरियंसेस आपने बचपन में या आपके अभी या फिर या किसी से, किसी आपके दोस्त के थ्रू पता चला हो. हाँ. या तो कुछ भी हो, आप हमें पहले इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मैसेज करें कि आपके पास स्टोरी और एक स्टोरी का छोटा पार्ट आप एक भेज दें, और फिर हम आपसे कांटेक्ट करेंगे, और फिर आप वीडियो शूट करके हमें भेजना, और फिर हम आपकी स्टोरी हमारे चैनल पे दिखाएंगे फॉर श्योर गाइज. तो ये डेफिनेटली करना, दिस इज वेरी मच गोइंग ऑन. सो गाइज प्लीज सेंड अस योर स्टोरीज एंड वी आर ईगरली वेटिंग टू नो कि आपके साथ रियल लाइफ में क्या क्या हॉरर इंसिडेंट्स हुए हैं. Scary. बताना मत भूलना, क्योंकि डरने का मजा ही कुछ और है. करेक्ट. उफ बाबा, मेरा तो पेट एकदम भर गया है, मुझे तो नींद आ रही है. हाँ, बहुत बहुत जबरदस्त नींद आ रही है. बहुत ही हेवी था. तो बट बहुत यमी था, जैसे कि हमने बता चुके पहले. बंगाली फूड तो हमेशा ही अच्छा. या इट्स वेरी टेस्टी, बट एंड स्पेशली बॉम्बे में वो मतलब थोड़ा ऑथेंटिक बंगाली फूड मिलना डिफिकल्ट है. प्रॉपर तो कैलकटा जाके आपको. हाँ, कैलकटा में तो मतलब बहुत ही अच्छा मिलता है, बट बॉम्बे में मतलब कैलकटा को अगर 95% भी टच कर ले बहुत बड़ी बात है. सो दिस रेस्टोरेंट वॉज डेफिनेटली वन ऑफ इट. बट अच्छा था. हाँ, अच्छा था. ऐसा नहीं कि नहीं, अच्छा था यार, बहुत अच्छा था. और ये तो लड़ रहा था मेरे लिए पीस के. कई सारे ब्रांचेस भी हैं इसके. हाँ, पेटुक, जैसे हम मैंने कि पहले भी बोला, पेटुक कब के ब्रांचेस भी है बॉम्बे में, तो आप कहीं से भी ऑर्डर कर सकते हो, तो जाके खा सकते हो. इन डाइनिंग जाके खाना ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि गरम गरम फूड एकदम हॉट रहता है. या इट्स नॉट दैट कि वो लोग नहीं गरम बेचते, जैसे कि मैंने दिखाया पैकिंग बहुत अच्छी पैकिंग. हाँ, मैंने जैसे दिखाया. तो एनीवेज ये तो हो गई फूड रिव्यू. अब आते हैं असली मुद्दे पे, क्योंकि कल फ्रेंडशिप डे है. तो हमने सोचा कि क्यों ना फ्रेंडशिप डे पे आप लोगों को, हमारे मस्तरंगी फैमिली को, एक स्पेशल फ्रेंडशिप डे गिफ्ट दिया जाए, एक सरप्राइज दिया जाए और एक मैसेज दिया जाए फ्रेंडशिप डे का. और क्योंकि आप लोग इतने हमारे हॉरर व्लॉग्स आप लोग पसंद करते हो, तो हमने सोचा कि क्यों नहीं वापस एक हॉरर शॉर्ट फिल्म पेश किया जाए. सो ये सब सिर्फ उन लोगों के लिए हो रहा है जो हॉरर देखना चाहते थे, जिन्होंने हमें कहा था कि आप सिर्फ हॉरर पे ही हमें एंटरटेन कीजिए, तो हम सिर्फ आप लोग के लिए ही कर रहे हैं, ला रहे हॉरर. बट गाइस, इसका मतलब ये नहीं कि हम दूसरे कंटेंट नहीं लाएंगे. दूसरा कंटेंट भी आएगा, तो आप लोग प्लीज दूसरे कंटेंट को भी उतना ही प्यार दे जितना आप हॉरर कंटेंट को देते हैं. प्लीज आप लोग देखें और आप लोग शेयर करें वीडियोस, प्लीज लाइक भी करें. प्लीज गाइस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. तो कमिंग बैक टू द मूवी, इट्स कॉल्ड फ्रेंड्स फॉर एवर, जो कल रिलीज होगी 1 PM. तो आप लोग अभी और क्या ही बोलो, आप लोगों को पता ही है, शेयर करना है, लाइक करना है और खूब सारा कमेंट करना कि कैसे लगा. मजा आने वाला है आफ्टर ऑल ये फिल्म देख के आप लोगों को. जैसे कि हमारी कोशिश हर बार होती है कि आपको अच्छा से अच्छा कंटेंट दे, ताकि आप एंटरटेन हो सके, आपको अच्छा लगे, आप डर को फील करो, आप मजे लो उस चीज का.
तो ये भी देखिएगा जरूर, बहुत अच्छा बना है और बहुत मेहनत लगी है, बहुत ज्यादा प्यार बहुत ज्यादा। ऐसा ही बने रहे हमारे लिए। हम लोग मतलब दिन रात शूट करके जी जान लगा के हर रोज शूट कर रहे ताकि आप लोग एंटरटेन हो, आप लोगों को एंटरटेन कर सके। तो प्लीज गाइज, आपका सपोर्ट ही हमारे लिए सब कुछ है। सो शो योर सपोर्ट और कल मूवी डेफिनेटली रिलीज होगी, फ्रेंडशिप डे स्पेशल फ्रेंड्स फॉर एवर मूवी, हॉरर शॉर्ट फिल्म। सो एक बार सबको फिर से हैप्पी फ्रेंडशिप डे गाइज इन एडवांस। सो दैट्स अबाउट इट गाइज, आज के लिए इतना ही और हम मिलते हैं जल्दी। कल मूवी देखना ना भूलें। हैप्पी फ्रेंडशिप डे, बाय।